हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, हमारी जो आज की वीडियो है वो है डिफ्यूजर के ऊपर है। तो इसको दोस्तों कैसे सीलिंग में इंस्टॉल करना है, तो फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हमको इसका दूसरी तरफ से सैच लेना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है, इसको दूसरी साइड से हमने देखना है इसकी अंदर अंदर का सैच क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों तरफ किनारे बने रहते हैं, इसका आपने सैच ले लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका जो साइज है वे है टोटल 55। तो हमने क्या करना है, इसका दोनों तरफ से साइज सेम होता है, दोनों तरफ साइज लेके हम एक टैल का पीस लेंगे और उसके बीच में इस साइज का कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने 60x60 का अलमुनियम का पीस लिया हुआ है। इस दोनों साइड पर दोस्तों इसका हम मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड, ऐसे करके हमने चारों तरफ मार्किंग कर लेना है। उसके बाद में क्या करना है फ्रेंड, हमने क्या करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके लिए हमको नैफ की जरूरत पड़ेगी। हम नैफ के सहारे इसको जहाँ पे कटिंग करेंगे। ऐसे करके हमने चारों तरफ नैप घुमा लेना है। जैसे आपने देखा हमारा चारों तरफ नैप घूम चुका है। अभी क्या करेंगे, हम ये पीस इसके बीच में से निकालेंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो बीच में से पीस है वो कटिंग हो चुका है। ऐसे करके कटिंग हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड हमको क्या करना है, हमारा जो डिफ्यूजर का पीस है अभी उसको हम यहाँ पर रखेंगे। ऐसे करके हम डिफ्यूजर का पीस पहले रख लेंगे। उसके बाद में क्या करना है, जो कटिंग टैल किया पीस है अभी वो इसको ऐसे करके रखेंगे और देखना है चारों तरफ बराबर होना चाहिए। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हमको दो एंगल का पीस चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कोई भी ले सकते हैं आप। उसको ऐसे दोनों तरफ रखेंगे, ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ रखकर इसको हम फिक्स कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको हम बिट स्क्रू के साथ फिक्स करेंगे, तो उसके बाद में आपको बताएंगे। सो फ्रेंड, आप इस बिट के सहारे इसको इस एंगल को फिक्स कर सकते हो। चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है आपने हमारा जो पीस है वो दोनों साइड से बराबर है। ऐसे करके जैसे आप देख रहे हैं ऐसे करके एक स्क्रू लग गया, ऐसे तीनों स्क्रू लगा लेने हैं। जैसे कि आपने देखा हमारा जो पीस बनकर रेडी हो चुका है। अभी क्या करना है, इसके बीच में आप देख रहे हैं थोड़ा स्पेस है, इसके बीच में आप कोई भी पैकिंग दे सकते हैं। सो फ्रेंड, इसके बीच में पैकिंग आप थर्मोकोल की भी दे सकते हैं। आप कोई गत्ता कोई भी चीज़ ऐसी लेके इसके साइड पे आप पैकिंग दे सकते हैं। चारों तरफ पे दे देंगे, उसके बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो डिफ्यूजर है वो टैल के बीच में फिक्स हो चुका है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, आप देख रहे हैं। अब इसको हम आसानी से दोस्तों अपने सीलिंग के बीच में डाल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में। तो फ्रेंड, अभी हमने क्या करना है, इसके ऊपर में दोस्तों हमने एक सीट का दोस्तों इसके ऊपर बॉक्स बनाना है। तो मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिएगा आप, वही मैं आपको इसी वीडियो में दिखाएगा। ओके फ्रेंड्स,
सो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा, पहले हमने इसका अंदर अंदर का साइज लेना है। इसका साइज है मैक्सिमम 44, दोनों तरफ में 44 44 है। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम आपको सीट की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये सीट है जिसके साथ हम ये डक्ट बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसा ये डक्ट बनाएंगे जैसे मैंने बना के रखा हुआ है। तो एक डक्ट मैं और बना रहा हूँ। तो चलिए, मैं इसके लिए कौन सा टूल यूज हो रहा है वो बताता हूँ। सो फ्रेंड, ये टूल है जिसके साथ हम कटिंग करेंगे, ये डक्ट टूल बोलते हैं इसको। इसमें ये 90 डिग्री वाला भी है और ये 45 डिग्री कटिंग करने के लिए भी है। और जैसे आपने स्ट्रेट कटिंग करनी है वो भी इसके बीच में, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके बीच में ब्लेड लगा हुआ है। तो इसके साथ ये सीट कटिंग होगी। तो चलिए, हम पहले मार्किंग कर लेते हैं। सो फ्रेंड, ऐसे करके हम मार्किंग कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो फ्रेंड ऐसे करके हमने पहले मार्किंग कर लेनी है, आपको नज़र आता होगा, तभी हम कटिंग करेंगे। सो फ्रेंड, ऐसे करके हमने इस अपने जो डग टूल है इसके साथ आराम से कटिंग करेंगे। ये हमारा 90 डिग्री में दोस्तों ये कटिंग कर देगा। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखो, ऐसे है, ऐसे इसको आने देना है। तो चलो, अभी इसको कटिंग करके आपको बताता हूँ। करके दोस्तों ये कटिंग हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा कटिंग हो गया है। सो फ्रेंड, आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने डक टूल के साथ पूरा कटिंग अपने मार्किंग के हिसाब से कटिंग कर लिया है। हम आराम से इसके बीच में से निकालेंगे। आप देख रहे हैं, जैसे कि ऐसे करके पूरा निकाल लेंगे। तो चलिए, मैं पहले पूरा प्रॉपर निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, हमारे जो साइड में जो पीस बड़े हैं हम उसको कटिंग कर लेंगे ऐसे वन बाय वन। चारों कोने में पीस कटिंग कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो अभी हम इसको बंद करके देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसे करके हम बंद कर लेंगे। जैसे कि आपने देखा, प्रॉपर हमारा बंद हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसके बीच में दोस्तों सिलिकॉन डालेंगे और उसके बाद में इसको चारों तरफ टेप घुमा देंगे, तो हमारा जो डक्ट है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। सो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा, हमारा जो बॉक्स बन के रेडी हो चुका है, जैसे आप देख रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके बीच में डालेंगे। आप देख रहे हैं, तो ऐसे करके दोस्तों ये हमारा आराम से बीच में बैठ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम क्या करेंगे, आप अपने अपने मुताबिक दोस्तों कहीं भी आप इसके हॉल मार सकते हैं। मोस्टली जहाँ पे हॉल होते हैं, तो कभी कभी जहाँ पे स्पेस नहीं होती तो आप साइड पे भी हॉल मार सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी ऊपर में हॉल मारेंगे, तो उसके बाद में आपको दिखाएंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो वो बॉक्स अभी बनाया है हमने, उसके लिए ऊपर जाकर स्पेस नहीं थी, तो हमने वहाँ पे साइड में हॉल दिया हुआ है। जिसके बीच में स्पेस है हमने उसके ऊपर हॉल दिया हुआ। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इसको फिक्स करेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने डिफ्यूजर के लिए जैसे एक पीस छोड़ा हुआ है, उसके ऊपर में दो से एक फ्लेक्सिबल पैप नज़र आ रहा है आपको 8 इंच का। उसके बीच में जो हमने डक्ट बनाया हुआ वो उसके बीच में डाल के, तो इसके ऊपर पीस और डाल के हम डिफ्यूजर ऊपर इसको चैनल मार देंगे, तो हमारा पीस, हमारा जो डिफ्यूजर का काम है वो रेडी हो जाएगा। तो चलिए, मैं अभी इसको फिक्स करके इसके बाद में आपको वीडियो बताता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने ऑलमोस्ट दोस्तों जो हमारा जो डिफ्यूजर उसको फिक्स कर दिया है। तो मैं इसी तरह आपको बता भी देता हूँ। फ्रेंड, ऐसे करके हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो।
ताँ जो ऐसी वीडियो आप तक लेके आता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।